गिरिडीह जिले के जंगलों का धनी क्षेत्र डुमरी का उत्तरांचल। इस इलाके में जंगलों की हरियाली अनायास मन मोह लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मनोरम जंगलों में बहुमूल्य सफेद पत्थर भी मौजूद हैं, जो दूर से ही चमकते हैं। लेकिन इन सफेद पत्थरों को वन विभाग महत्व नहीं दे रहा है और न ही प्रशासन। अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार चाहे तो इस बहुमूल्य पत्थर से कई लोगों का रोजगार मुहैया करा सकती है। बता दें कि ये सफेद पत्थर बहुत ही बहुमूल्य हैं। अगर सरकार चाहे तो इस पत्थर से संबंधित उद्योग विकसित किया जा सकता है। इस पत्थर से कई बहुमूल्य सामानों का निर्माण होता है। इस पत्थर को डस्ट के रूप में परिवर्तित कर सीमेंट फैक्ट्री, व्हाइट टाइल्स और कॉस्मेटिक सामानों को बनाने में यूज किया जा सकता है। बाहर के लोग इस पत्थर को ले जाकर अच्छी कीमत में इसे बेचते हैं। वहीं लोगों का भी कहना है कि इलाके में बहुमूल्य सफेद पत्थर है, लेकिन इसका महत्व किसी को नहीं पता। अगर सरकार चाहेगी तो इस क्षेत्र में फैक्ट्री इंस्टॉल कर लोगों को रोजगार मुहैया करवा सकती है। हाँ देखिए, ये वाइट पत्थर तो सचमुच में बहुत ही कीमती है, और बेसिकली जो बिजनेस क्लास है वो करते क्या है, वाइट पत्थर का उठाव कर लेते हैं, और उठाव करके बहुत सा सेंटर है जहाँ पे उसको डस्ट करने का मशीन लगा रखा है इन्होंने। वहाँ पे पत्थर को डस्ट कर लेते हैं, और डस्ट करके बाहर जैसे सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, वाइट टाइल्स जो आप देखते हैं उसमें हो गया, बहुत सा कॉस्मेटिक यूज़ हो गया, उस सब में इसको यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसका कोई फैक्ट्री जो है ना यहाँ पे नहीं है। अगर हम झारखंड के अंदर में जो बाहर ये चीज़ जो जा रहा है, अगर झारखंड के अंदर में वो कुछ फैक्ट्री को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते तो यहाँ के ग्रामीण जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास आज की डेट में बहुत कम काम है, उनके लिए बहुत अच्छा रोज़गार का अवसर मिल सकता था। लेकिन उस तरह का कोई उद्योग यहाँ पे तो नहीं है। जो भी पत्थर यहाँ का है वो डस्ट होके बाहर चला जा रहा है, और इसकी कीमत अच्छी खासी वहाँ पे उसको मिल रही है, और इसका कन्वर्ट करके वो लोग बहुत सा चीज़ बना रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले ही सफेद पत्थर से लोड एक ट्रक को डुमरी वन विभाग ने जब्त किया था, लेकिन इनके पीछे किसका हाथ है ये बात सामने अब तक नहीं आई है। ऐसे में पत्थर माफियाओं की नजर इस बहुमूल्य पत्थर पर है जो चोरी छिपे ले जाते हैं। गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।